मैं ब्रह्म कुमारी संगठन के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं जानता, बट मैं ब्रह्म कुमारी शिवानी दी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ और वर्ष 2011 से मैं उनसे बहुत बखूबी रूप से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जहाँ तक पता है यह संगठन जो है ब्रह्म कुमारी संगठन जो है 1936 में किन्हीं आपका लेखराज कृपलानी जी के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। यह एक जौहरी व्यवसाय करने वाले एक व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने वह अपने आप में भगवान ढूंढने का प्रयास करते रहे और अंततः वह ये जो सांसारिक जीवन है इनसे हट करके ये खुद में अपनी असीमित शक्तियां एवं अपने अंदर भगवान ढूंढने का, अपने अंदर परमात्मा ढूंढने का जो प्रक्रिया जो अपना सादगी रूप से किए, आज वही प्रक्रिया चलते चलते आज यह ब्रह्म कुमारी संगठन के नाम से जाना जाता है। और मैं इस संगठन के बारे में पहले भी बोला कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, परंतु 2011 से मैं ये संगठन भी नहीं जानता था, लेकिन मैं ब्रह्म कुमारी शिवानी दी का हर एक वीडियो मैं 2011 से देखता रहा हूँ। और जितना भी एक चीज़ हम उनके बारे में जहाँ तक जानते हैं, जितना भी समस्या मेरा है आपका है सारे का निदान ब्रह्म कुमारी दी के वीडियो में हम सारा चीज़ ढूंढते हैं, सारा निदान उनका जो है। हम एक चीज़ सुने थे कि गीता एक मेरा ऐसा महाकाव्य है जिसमें दुनिया का सारी समस्याओं का निदान हमारा महाकाव्य गीता में है, परंतु गीता पढ़ने का हमको बहुत ज़्यादा तो मौका मिला नहीं है। लेकिन ये वीडियो के माध्यम से मैं ब्रह्म कुमारी शिवाजी को बहुत सारा चीज देखता हूँ और मैं उनमें सारा समस्याओं का जो सॉल्यूशन है मैं उनको पाता हूँ। और एक चीज हम देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दूसरों की खुशी देना सर्वोत्तम दान है। तो दूसरों हम देखे हैं कि ब्रह्म कुमारी जी का जो आपका जो स्वभाव है, जो अपने आप में जो दूसरों लोगों को जो एक लेसन जो देती हैं, वो इतनी सौम्य भाव से देती हैं कि जैसे हम ओम शांति ओम अभी जब जैसे बोला गया हमको बस ब्रह्म कुमारी जी का याद आता था, क्योंकि ओम शांति ओम पहली बार और मैक्सिमम टाइम हम उन्हीं के वीडियो से सुनते हैं और उन्हीं के वीडियो से जो है बहुत सारा चीज़ जो है हम अपने आप में एक्वायर किए हैं और यहाँ तक पहुँचने में हमारा ब्रह्म कुमारी जी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि हमारे वो इंस्पायरिंग नोट लेडी वो सीज क्या गॉड गिफ्टेड लेडी। और हम देखें ब्रह्म कुमारी का मतलब यहाँ पे होता है वो ब्रह्मा की पुत्री, ब्रह्मा की बेटी। जो जितनी अभी हम देख रहे हैं कि जितने भी संगठन से जुड़े लोग हैं सारे वो सादे लिबास में हैं। एक चीज और हमें उनका याद आता था कि सादे लिबास का मतलब पवित्र शांत पवित्र आत्मा, बिल्कुल एज ए प्योर सोल। मैं उनको देखता हूँ तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ, और इंस्पायर ही नहीं होता वो जो है आपका आगे बढ़ने का एक समय एक अलग जो जैसे आज जो है जितना समाज वो देखते हैं कि एजुकेशन जो है हमारे आध्यात्मिक एजुकेशन धीरे धीरे वो पिछड़ता चला जा रहा है, जो कि आध्यात्मिक एजुकेशन जो है हम देखते हैं कि आपका ब्रह्म कुमारी दी इस चीज को बहुत आगे तक कहीं ना कहीं अभी तो आज के समय में जो है देखते हैं कि बहुत लोगों का बुक से लगाव बहुत कम हो चुका है। वो जो है आपका सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल हो गया, वीडियो के माध्यम से जो देखते हैं बस उसी चीज को जो है बच्चे लोग अक्वायर करते हैं। लेकिन हम बच्चों लोगों से या और लोगों से बस हम एक ही चीजें करेंगे कि आप वीडियो देखिए, बस अच्छा चीज देखिए, अपने आप में अच्छा चीज लाइए और अपना अच्छा संस्कार को अपने आप में समेट करके रखिए और अपने अंदर जो असीमित पावर है, जो अनलिमिटेड पावर है, उस चीज को आप ढूंढें और परमात्मा मेरे अंदर ही है, अच्छाई मेरे अंदर ही है,
और जो अच्छाई है दैट इज पावर, दैट इज गॉड। जो अच्छाई मेरे अंदर है वही भगवान है। क्योंकि अच्छा रास्ता चलना, अच्छा रास्ता दिखाना, लोगों को बुरा, लोगों के बारे में, लोगों का भी जो हम देखे कि दूसरों को दान देना, खुशी दान देना, कहीं ना कहीं छोटा खुशी हो आप दान दे, छोटा बच्चा को थोड़ा सा प्यार दे जिससे वो खुश हो, बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके साथ थोड़ा सा बैठ जाए जिससे वो खुशी मिले उनको, वही सबसे बड़ा आपका प्रेसियस गिफ्ट है उनके लिए। ठीक है, थैंक यू। और एक बार शिवानी दी का मेरा नमस्कार। ओम शांति। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের ভাইজিকে। খুব সুন্দরভাবে আমাদের ভাইজি ব্রহ্মা কুমারীর সম্বন্ধে বললেন। অ্যাকচুয়ালি ওনার কথা শুনে আমাদের মনে হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি ব্রহ্মা কুমারীর সম্বন্ধে উনি অনেক কিছুই জানেন। তো ওনার সম্বন্ধে একটু হাততালি হয়ে যায় সবাই। আমরা এই মুহূর্তে আমাদের অতিথি, বিশেষ অতিথিকে আমরা আমাদের ঈশ্বরীয় উপহার প্রদান করব। আমাদের দিদি রেশমি দিদি, পূজা দিদি, বর্ষা দিদি, আমাদের অতিথি মাননীয় দীপক কৌশল মহাশয়কে ঈশ্বরীয় উপহার প্রদান করছেন। একবার জোরদার হরতালি হয়ে যাক ওনার জন্য। উনি সময় নিয়ে এসেছেন, আমরা গর্বিত এইভাবে যেন উনি থাকেন আমাদের সাথে।